क्या आप 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा से नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न 27 है, रेखाओं सदिश r बराबर आई प्लस 2j प्लस k समय कैप लगा है प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और सदिश r बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का सवाल आता ही है, ये सदिश विधि है। एक और होता है कार्तीय विधि। तो यहाँ पर देखिए सदिश विधि से ज्ञात करना 6 अंक है, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ से इसका फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं न्यूनतम दूरी को, इसका होता है, इसका फार्मूला आपको यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका हो जाता है एस डॉट डी बराबर, ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, सदिश लगाना है, बी वन क्रॉस बी टू बटा मॉड बी वन क्रॉस बी टू, यहाँ सब में सदिश लगाना है। आप एरो भी लगा सकते हैं ऐसे। देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला आपको सही से ही लगाना है। अब यही सब चीज़ हमको निकालना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, ए टू माइनस ए वन, तो ए वन ए टू चाहिए, बी वन क्रॉस बी टू तो बी वन और बी टू चाहिए, ये हमको प्रश्न से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रश्न से, तो यहाँ ये हो जाएगा ए वन बराबर हो जाएगा, ये जो लिखा है ना ये पहला वाला याद रखिएगा, ये प्रश्न को तो आप पहले लिख सकते हैं। ये जो होता है पहला वाला ये ए वन होता है, आपको याद रखना है। ये दूसरा वाला क्या होता है, बी वन होता है। फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये ए टू होता है और ये क्या होता है, ये बी टू। क्लियर है? यहाँ से हो गया ऊपर वाला ए वन बी वन, ए टू बी टू, लेमडा और म्यू पे ध्यान नहीं देना है। तो ये जमा जुमा है तो डायरेक्ट इसको कर लिए। एक और ऐसे जो जमा नहीं रहता है उसको ऐसे जमाना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके बाद मानते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वन क्या हो जाएगा, जिसमें लिखा है आई प्लस टू जे प्लस के, ये हो जाएगा आई, आप कैप लगाते जाएंगे आई कैप टू जे प्लस, ये क्या हो गया के। उसके बाद ये हो गया, यहाँ से हम लिख लेंगे फिर बी वन, तो बी वन बराबर क्या है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। फिर यहाँ से लिखेंगे ए टू, ए टू बराबर हो जाएगा टू आई माइनस जे माइनस के, ये हो गया टू आई माइनस जे माइनस के। फिर यहाँ से बी टू निकालेंगे तो बी टू वाला क्या हो जाएगा, ये टू आई प्लस जे प्लस टू के, टू आई प्लस जे प्लस टू के। क्लियर है? इतना बहुत ही सिंपल है, ए वन बी वन ए टू बी टू। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू से ए वन को घटाना है, ये ए टू है और ये ए वन है, तो ए टू से ए वन को घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए टू माइनस ए वन। तो देखिए ए टू का मान कितना दिया है, ए टू दिया है ये टू आई माइनस जे माइनस के, ये ए टू है, माइनस माइनस इसलिए आप ब्रैकेट लगाएंगे। ए वन का मान क्या दिया है, आई प्लस टू जे प्लस के, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर टू आई माइनस जे माइनस के, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस और ये भी प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस। तो आई और आई को हल करना है, जे और जे को हल करना है, के और के को हल करना है। देखिए टू आई है माइनस आई है, तो दो में से एक गया एक आई बचेगा और दो बड़ा इसलिए प्लस। देखिए माइनस जे है माइनस टू जे है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो दो और एक कितना हो जाएगा तीन जे, चूँकि दोनों माइनस इसलिए सामने में माइनस। फिर यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के है माइनस के है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो एक और एक टू के हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। क्लियर? इतना कभी भी समान चिन्ह जुड़ता है याद रखना है, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो दोनों माइनस है तो माइनस ही रहता है और दोनों प्लस रहता है तो भी प्लस ही रहेगा। तो ये आगे किसका मान है, ये ए टू माइनस ए वन का ये मान है। एक निकल गया, अब निकालना है क्रॉस, क्या बी वन क्रॉस बी टू, तो क्रॉस दूसरे मेथड से निकालते हैं क्रॉस का, तो इतना तो हो गया। अब यहाँ पर लिखना है बी वन क्रॉस बी टू, तो इसको क्रॉस निकालने का तरीका इस प्रकार है, यहाँ पर आपको लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप, इतना लिखना है। अब बी वन का मान देखिए, तो यहाँ पर हम निकाले हैं ना बी वन का मान, यहाँ से लेना है। अब आई जे को नहीं लिखना है, आई जे के तो लिख चुके हैं, यहाँ संख्यात्मक लिखना है, कुछ नहीं है तो एक,
ये चिन्ह को लिखना है माइनस एक और एक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा माइनस एक और ये प्लस एक। अब बी टू का लेना है, ये बी वन है ये बी टू, तो टू वन टू, तो ये हो जाएगा टू वन टू। मान को सही सही लिखना है ना, देख लीजिए ठीक से, ये बी वन का मान है, आई जे के को तो ऊपर में लिख लीजिए, संख्यात्मक को ही लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पर लिखना है इस प्रकार, इसको ऐसे बंद करना है, फिर यहाँ पर माइनस जे लिखना है, फिर ये हो जाएगा और ये प्लस के, और ये इस प्रकार इसको लिखना है। अब देखिए बंद करने वाला आपको आना चाहिए, बताया था ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसलिए प्लस आई है, ये माइनस जे है और ये प्लस के है, यहाँ घबराइएगा नहीं, यह माइनस कैसे आया। अब यहाँ से देखिए बंद करने वाला बताया था, जैसे आई को लिए तो इस प्रकार इसको बंद करना है ऐसे, तो देखिए पहले आई के निकालेंगे तो इस प्रकार इसको ऐसे आप बंद कर लेंगे और उधर आई जे के बंद हो जाएगा। तो यहाँ से इसका गुणा ऐसे होगा, तो देखिए दो एकम दो माइनस दो, बीच में माइनस रहेगा, एक एकम एक, समझ में आया। अब बीच वाला को लेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो गुणा कैसे होगा, दो एकम दो और दो एकम दो, फिर जब तीसरा लेंगे तो ऐसे बंद होगा, तो ऐसे गुणा होगा, एक एकम एक और दो एकम दो, यह माइनस है बीच में पहले से माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान देंगे, तो ये हो गया आई हो गया, ये समान चिन्ह जुड़ता है, तो ये माइनस तीन हो जाएगा, माइनस जे ये कट जाएगा, माइनस दो प्लस दो है ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ जीरो, प्लस ये हो गया के, दो और एक कितना हो गया तीन, यहाँ से कितना आया देखिए, ये आ गया माइनस थ्री आई और ये हो गया माइनस जीरो जे प्लस थ्री के, ये किसका मान है, बी वन क्रॉस बी टू का ये मान है, बी वन क्रॉस बी टू। अब यहीं से आप चाहे तो इसका मॉड भी निकाल सकते हैं, तो देखिए इतना आया बी वन क्रॉस बी टू, अब इसका आप मॉड निकाल सकते हैं, बी वन क्रॉस बी टू मॉड, तो मॉड निकालेंगे तो मॉड का नियम है ऐसे करनी करते हैं, जो संख्यात्मक मान है उसको लिखना है, तो माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या दिया है माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री का स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ बीच में प्लस लेना ही है, इसका अगर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस जीरो है तो जीरो का स्क्वायर और ये थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीन तीन नौ होगा, माइनस प्लस हो जाता है अगर घात सम संख्या है तो, और तीन दूनी छः नहीं करना है, जीरो का जीरो होगा, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः नहीं करना है, तो नौ और नौ कितना हो गया अट्ठारह, करनी अट्ठारह आया, इसको आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, तीन तिया नौ, नौ दुनी अट्ठारह, तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर हो जाता है एक ठो के, तो तीन करनी दो, इसका मान है ये मॉड बी वन क्रॉस बी टू का मान है। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला में रख देना है, तो इसका होता है एच डॉट डी, शुरू में लिखा था ए टू माइनस ए वन, और ये हो जाएगा बी वन क्रॉस बी टू बटा मॉड बी वन क्रॉस बी टू, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें आपको सबको रख देना है, तो शुरुआत से ही हम निकाल चुके ए टू माइनस ए वन, बी वन क्रॉस बी टू तो ये निकाल लिए, माइनस थ्री आई माइनस जीरो जे प्लस थ्री के, तो यहाँ रख देते हैं माइनस थ्री आई माइनस जीरो जे प्लस थ्री के, ये किसका मान है, इसका मान है बटा मॉड बी वन क्रॉस बी टू का मान ये निकाले मॉड का, ये थ्री करनी टू, तो नीचे हम लिखेंगे थ्री करनी टू ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ से लिखेंगे a2 टू माइनस ए वन का i माइनस थ्री जे माइनस टू के, तो ये हो जाएगा i माइनस थ्री जे माइनस टू के, क्लियर है, तो बस मान रखना है आपको इसमें, तो यहाँ से गुणा करना है, i का i से होता है तो तीन एकम तीन, i और i का एक हो जाता है, क्लियर है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर ये तीन सुना शून्य, फिर ये दो तिया छः, माइनस और प्लस माइनस बटा तीन करनी दो, तो यहाँ से कितना हो गया, ऐसा आपको याद रखना है चूंकि आई इंटू आई कैप बराबर होता है एक, जे इंटू जे कैप बराबर होता है एक, और के इंटू के कैप बराबर होता है एक, इसलिए इसका गुणा होता है तो आई से आई का, तो तीन एकम तीन, बस उसको लिख देना है माइनस है तो माइनस, तीन सुना शून्य और तीन दूनी छः, माइनस प्लस माइनस, ये समान चिन्ह जुड़ जाएगा, छः और तीन कितना हो जाएगा माइनस नौ बटा तीन करनी दो,
चूँकि याद रखिए कि दूरी है तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, या फिर फार्मूला में आप इसको पूरे का मॉड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूरे का मॉड। तो ये क्या हो जाता है? माइनस प्लस हो जाता है। आपको याद रखना है, जैसे कोई माइनस आएगा तो उसको प्लस करते हैं, ये क्या है? पूरे का मॉड होता है। आपको याद रखना है क्या होता है? पूरे का मॉड। इस प्रकार तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर माइनस आएगा ना तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे ये मॉड रहता है पूरे का, तो अगर माइनस में आया तो वो क्या हो जाता है? मॉड से बाहर निकलता है तो वो प्लस हो जाता है। तो इसका मेन आंसर होगा 9। तो इसको हम कटा सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 9 कट जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 से कटा देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/2। ये क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है? पूरे फार्मूले में ये क्या होता है? मॉड होता है। तो मॉड से जब हम बाहर निकाल लेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9 ये कट गया। यही इसका उत्तर है। तो ध्यानपूर्वक बनाना है, बहुत ही सरल है फार्मूला, बस आप याद रख ले। a.d बराबर a2 - a1 b1 क्रॉस b2 / mod b1 क्रॉस b2। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।